क्वेश्चन आपका भाई, स्टेप्स कौन से फॉलो होते हैं रिसर्च की, रिसर्च में तो कौन कौन से स्टेप होते हैं? देखो, सबसे पहले कल मैंने कुछ ब्रीफ में तो बताया था कि ऐसे ऐसे काम होता है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में देख लो। सबसे पहले होता है आपका कोई, जैसे कोई टॉपिक आप ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी क्या आया था, जीएसटी आया था कुछ टाइम पहले, तो जीएसटी के रिगार्डिंग लोगों की परसेप्शन आप चेक करना चाहो, लोग क्या सोचते हैं जीएसटी के बारे में। एक प्रॉब्लम आ रही है, जीएसटी कैसा है, जीएसटी बेनिफिट दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम आई। तो आपने ना इसको एक रिसर्च प्रॉब्लम, एक जनरल प्रॉब्लम थी, इसको कैसे कन्वर्ट किया, रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या बनती है आपकी, रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब जब आप रिसर्च प्रॉब्लम बना रहे हो ना, तो ये नहीं है कि आपको कैसे बनेगी, सीधा तो नहीं लिख सकते ना कि जीएसटी एक प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो देखोगे क्या। देखो 2017 में जीएसटी आया, पहले आप ये देखोगे जीएसटी की प्रोसेस कब से शुरू हो रखी है, कौन सी पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी लगाया, किस तरीके से हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें आप देखोगे, हिस्ट्री पढ़ के, फिर क्या प्रॉब्लम आई अपने इंडिया में, क्या प्रॉब्लम है। तो अभी जैसे वैक्सीन आई आपके पास, वैक्सीन जो बनी, इससे पहले एक प्रॉब्लम क्या थी भाई, कोविड की प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम थी, इसको एक साइंटिफिक में उसमें बनाना, वो क्या बनेगी कि रिसर्च प्रॉब्लम। अब इसके लिए क्या देखोगे, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर का मतलब होता है इसी के रिगार्डिंग प्रीवियस क्या स्टडी है, वो क्या कहती है, उनके रिजल्ट क्या कहते हैं, तो वो क्या हो गया आपके लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, अब रिसर्च प्रॉब्लम बना दी। अब रिसर्च प्रॉब्लम बनने के बाद आपको इस प्रॉब्लम में क्या चाहिए, इसे रिसर्च क्वेश्चन बनेंगे, और रिसर्च क्वेश्चंस के बाद बनेंगे आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो आपके क्या बन गए यहाँ पे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव आपके अटेन हो रहे हैं, इसके आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करोगे, मतलब कौन कौन से वेरिएबल आप स्टडी करोगे, कुछ ना बनाओ इसमें, ऐसे समझ लीजिए थोड़ा कम आएगा आपको। टॉपिक लीजिए कोई अच्छा सा, बच्चे ना, एक मेरे एक दोस्त ने ना भी पीएचडी सबमिट की है, और उसने सबमिट किया है डेयरी प्रोडक्ट पे, और जो भी लोग मार्केटिंग में पीएचडी कर रहे हैं उनके तीन कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस का, किसी का देख लेना आप, है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है परसेप्शन का, और तीसरा होता है सेटिस्फेक्शन का। अवेयरनेस, परसेप्शन और टुवार्ड्स डेयरी प्रोडक्ट, मतलब ये पीएचडी का काम होता है, ऐसे ही करते हैं लोग, मैंने जो ऑब्जर्व किया। अब किसी का भी मार्केटिंग का टॉपिक मिल जाए तो आप उनमें से कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव कौन सा आपका, परसेप्शन का, ये वाला अवेयरनेस का, और इस तरीके का। अब क्या ऑब्जेक्टिव है, देखो उन्होंने प्रॉब्लम क्या पा रही है, उन्होंने उनका जो ऑब्जेक्ट, वो जो टाइटल है या जो रिसर्च है, वो ये है कि जो हरियाणा में जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग लोगों की परसेप्शन, अवेयरनेस और सेटिस्फेक्शन किस तरीके की है, और कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब आप डेयरी प्रोडक्ट परचेज करते हो। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको, उन्होंने प्रॉब्लम बना दिया। प्रॉब्लम क्या बनाई, प्रॉब्लम ये बनाई कि हरियाणा में जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग लोगों की क्या परसेप्शन है, क्या सेटिस्फेक्शन है, उनको कौन से फैक्टर अफेक्ट करे, प्रॉब्लम बना दी, ऑब्जेक्टिव बना दी यहाँ पर। ठीक है, अब उन्होंने वेरिएबल आइडेंटिफाई किया कि हम ये देखें डेयरी प्रोडक्ट तो बहुत तरीके के होते हैं, तो भाई कौन कौन से लेंगे, उसने लिखा पैकेज डेयरी प्रोडक्ट, फैक्टर मिल गया उनको पैकेज डेयरी प्रोडक्ट, तो उसमें भी कौन से, भाई दूध ले लिया, दही ले लिया, इस तरीके से उसने ले लिया, पनीर ले, जो जो चीज़ें दे रखी है उसने, मतलब पनीर भी ले रखी थी और ये सब ले रखी है उन्होंने, फाइंड आउट कर ली ये चीज़ों के रिगार्डिंग हमें परसेप्शन, अवेयरनेस और सेटिस्फेक्शन देखने। तो यानी आपने यहाँ पर क्या कर लिया, वेरिएबल्स भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और स्केल, स्केल का मतलब होता है मेजरमेंट करने के लिए स्केल। अब परसेप्शन को मेजरमेंट करना है, एटीट्यूड को मेजरमेंट करना है, तो लिकर्ट स्केल आती है। लिकर्ट ने क्या दिया था, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, उसमें आता है कि स्ट्रोंगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, तो लिकट की 5 स्केल आती है, और भी आती है आपकी। ठीक है, हाँ, तो बस मेनली आपकी सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो लिकट वाली यूज हो रही होती है, तो इसलिए वो ज्यादा फेमस है कि आप लिकट की कर रहे हो। ओके, तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर लिया, स्केल्स मेजर कर ली। आप यहाँ पर बनाते हो हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जैसे आपने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया आपने, देखो हमने क्या टेस्ट करना है, हाइपोथेसिस पहले होती क्या है, हाँ, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो अजम्पशंस आप अपनी स्टडी के रिगार्डिंग बनाते हो, फॉर्मुलेट करते हो, लोगों के रिगार्डिंग बनाते हो, फॉर्मुलेट करते हो, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। जितने भी आप अजम्पशंस बनाते हो सारी हाइपोथेसिस होती है, और जिस भी हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, चेक करते हो, उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। यही होता है ना,
इक्वल टू जीरो। अच्छा जो आपकी हाइपोथेसिस होगी, हमने क्या लिखी कि सारी की सारी क्या होती है, जितनी भी आप अजम्पशंस लेते हो सारी की सारी क्या होगी, हाइपोथेसिस, है ना, कुछ भी ले रहे हो। मैंने कहा कि कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों में, कोई अवेयरनेस नहीं, एक अजम्पशन है, हमारी अजम्पशन है कि लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, अजम्पशन है, अनअवेयर है। अब ये जो हाइपोथेसिस है इसको ना दो कैटेगरी बनती है, एक तो बनती है नल और दूसरी आपके, देखो नल हमेशा जीरो का मतलब ऐसे होता है कि वो जीरो से ऐसे स्टार्ट होता है कि नो डिफरेंस ही, हम लिखेंगे जैसे ये लिखा कि देयर इज नो अवेयरनेस, देयर इज नो परसेप्शन, नो डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन ऑफ ऑल द कस्टमर्स और द पीपल्स ऑफ द, जो आप सैंपल ले रहे हो आप, हम नो का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंसेस आप लेना चाह रहे हो ना वो आपको जीरो कर दो। हमने कहा कि अवेयरनेस चेक करना था तो हम ये मानेंगे कि नहीं है, उनको कोई अवेयरनेस नहीं है, इसलिए तो नल और नो से स्टार्ट होती है। नो का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल नेगेटिव सेंस आएगी, वहां का मतलब होता है इक्विलिटी, नो की सेंस आएगी, जीरो की सेंस आएगी। तो आपने क्या लिखा कि भाई नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ कि जिस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर रहे हो, अल्टरनेट जैसे ही आप नल बनाओगे ना, हमने एक बनाया कि देयर इज नो अवेयरनेस, अल्टरनेट अपने आप पता लग गई अवेयरनेस है, मतलब वो ऑटोमेटिक सेट होती है, उसको करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो कौन सी होगी आपकी अल्टरनेटिव, लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही सेट हो जाती है। ठीक है, ओके, तो ये होगी आपकी नल और ये होगी आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये बना लिया आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप क्या करोगे, अब यहां पर ना जब आपका ये काम हो गया है, पहला जो ऑब्जेक्टिव था ना, देखो पहला जो स्टेप था आपका, इसको ना और स्टेप्स में कन्वर्ट कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला जो आपका स्टेप बनेगा वो आपका बना रिसर्च प्रॉब्लम, आपने बना दी, ठीक है, इसमें कहीं पे भी ना थोड़ा सा एक चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। आप क्या बना रहे हो, पहला जो आपका स्टेप बना वो आपका बना फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, बना लिया। दूसरा जो आपका बनता है आपने लिख लिया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तीसरा आपने बना दिया फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरा आपने लिखा कि आपने क्या डेवलप कर ली हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस बनाने के बाद ना आप यहां पर डालते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहां रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या आता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपकी जो चीज आती है कि भाई आपका रिसर्च डिजाइन क्या है, इसके अंडर सब पार्टीज बनते हैं जो आपके बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले आपका भाई रिसर्च डिजाइन क्या है, इसे रिसर्च डिजाइन ना किसी का एक्सपेरिमेंटल होता है, किसी का एक्सप्लोरेटिव होता है, किसी का डिस्क्रिप्टिव होता है, किसी का एनालिटिकल, ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं, जैसे रिसर्च जिस तरीके की होती है। जैसे मेरा ना जैसे ऑब्जेक्टिव था कि कंपनी के डिविडेंड पे आउट के बारे में बताना, तो ये कौन सी होगी, मैंने बताना है, मैंने कुछ करना नहीं, डिस्क्रिप्टिव हो गया। एक और चीज मैंने किया कि जो डिविडेंड होता है इसका मार्केट वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है, ये कौन सी हो गई, तो इसमें क्या हुआ एनालिटिकल हो गई, ठीक है, कि इसके रीजन क्या है, किस वजह से है, तो ये अपने ये बता दिया। तो रिसर्च डिजाइन आपने बता दिया कि किस तरीके का है। अब रिसर्च डिजाइन के बाद इसमें क्या क्या आता है, रिसर्च डिजाइन में, रिसर्च डिजाइन में आपके पास ये चीज आती है सैंपल डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में क्या आ गया आपका सैंपल डिजाइन, सैंपल डिजाइन में क्या आ गया सैंपल साइज क्या है, ठीक है, सैंपलिंग टेक्निक क्या होगी, डेटा कौन सा होगा आपके पास, टाइप्स ऑफ डेटा, टाइम पीरियड कौन सा होगा, ठीक है, टाइम पीरियड आपका कौन सा होगा, एरिया कौन सा होगा,
यहाँ पर आप स्टडी करोगे। एक जब आप ना देखो एक बार क्या बना रहे हो आप, जब आप ना ये जब लिटरेचर बना रहे हो ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हो, तो आपको यहाँ से ना जब ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तो यहाँ पर ना कुछ गैप मिलेगा जिसको बोलते हैं रिसर्च गैप, जिस पर आपको काम करना है। आपने भाई इस पर जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो मिला उसके आपका रिसर्च गैप बन के आया, ठीक है। एडिशन टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर आप जो काम करोगे वो रिसर्च गैप हुआ। व्हाट इज योर वर्क और व्हाट इज एग्जिस्टिंग वर्क, डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, रिसर्च गैप। तो इन आपने बना लिया रिसर्च मेथोडोलॉजी में, रिसर्च डिजाइन डिसाइड कर लिया भाई कौन सा है, मतलब आप डिस्क्राइब करोगे, एक्सप्लोर करोगे, इंपेरिकल करोगे, कौन सा है आपका, वो आप यहां बताओगे, ठीक है। रिसर्च डिजाइन में आपने क्या किया, सैंपल डिजाइन ले लिया, सैंपल डिजाइन ले लिया, सैंपल डिजाइन में सैंपल साइज ले लिया, सैंपल साइज में फिर आपने कौन सी सैंपलिंग टेक्निक, इसको अभी हम करेंगे, क्यों करेंगे वो भी बताएंगे। सैंपलिंग टेक्निक आप करोगे, टाइप ऑफ डेटा पे प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, प्राइमरी जो फर्स्ट हैंड कलेक्शन है और सेकेंडरी जो आपका ऑलरेडी कलेक्टेड है। टाइम पीरियड का मतलब कितने टाइम पीरियड की स्टडी होती है, एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, प्राइमरी डेटा का जब आप स्टडी कर रहे तो उसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता, प्राइमरी डेटा हमेशा प्रेजेंट में कलेक्ट होगा। जैसे आप लोग, मैं आपसे कुछ पूछूं, प्राइमरी मैंने को आप लोगों से ही कलेक्ट करना है, तो मैं अभी आपसे डायरेक्ट बात करूंगा, मैंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है कहाँ से, जैसे मैंने सोयल के बारे में चेक करना है, मिट्टी के बारे में, तो भी मैं अभी तो लूंगा ना, पीछे का तो नहीं देखूंगा कि पीछे का डेटा क्या है। तो प्राइमरी डेटा हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट में स्टडी होती है, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं लिया जाता कभी भी, या आप उसमें डिफाइन नहीं करते क्योंकि करंट में स्टडी होती है। सेकेंडरी डेटा होता है उसका हमेशा टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने साल की स्टडी है, इतने इतने साल तक रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपने टाइम पीरियड ले लिया, एरिया ले लिया, कि एरिया का मतलब अब ये जो एरिया की बात है ये भी कहाँ स्टडी कर रहे हो आप भाई, हरियाणा में कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, कहाँ पे आपकी स्टडी हो रही है, ये आपने सारी बता दी। उसके बाद आप एक बार और चीज़ बताते हो इसी में कि आपने कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स आपने लगाए हैं, और जब आप सिनोप्सिस बना रहे हो तो आप टेंटेटिव लिख देते हो, जब लगा चुके हो तो टूल्स एंड टेक्निक लिख देते हो, ठीक है, लिख दिया। तो इस तरीके से आपका ये रिसर्च डिजाइन का पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाता है। अब इसमें जो पढ़ने की रिक्वायरमेंट है वो आपके सैंपलिंग डिजाइन, इसको अभी पर रोक के रखना, मैं इसको पूरी करा देता हूँ फिर इसको करेंगे। हमने देखो ये क्या पढ़ा है, हमने बना दिया फॉर्मुलेशंस कर लिया, रिसर्च डिजाइन आपने कर दिया, ठीक है। स्टडी डिजाइन ये कोई छोड़ दे, कुछ नहीं है कि एक्सपेरिमेंट ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा आपने रिसर्च जो मेथडोलॉजी में आपने लिया वो आपने क्या लिया कि डेटा का टाइप कौन सा है, मेथड कौन सा लोगे आप, और ये सारी बातें बताई नहीं उसमें, दे नहीं रखी कहीं पे भी, तो इसको छोड़ दो आप, जो जो मैंने लिखी उस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है। सैंपल्स का आपने देखा कि टेक्निक ये मेरे को अभी कराना है, ठीक है। जब आपने क्या कर दिया, ये देखो रिसर्च प्रपोजल तो बहुत पहले लिखा जा चुका होता है, सिनोप्सिस को ना प्रपोजल बोलते हैं, तो ये तो वही बना रहे थे हम पूरा का पूरा कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही पार्ट है, मतलब ये प्रपोजल सिनोप्सिस बन रहा है ना, तब आप लिख रहे हो तो तीसरे चैप्टर में आ जाती है कि भाई आपकी नीड क्या, स्टडी के बेनिफिट कोई नहीं लिखता, क्या होगा लास्ट में लिखा जाता है, तो टाइप ऑफ डेटा उसी पे आ जाता है, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का मतलब कि आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिखते हो, इसमें ठीक तरीके से नहीं दे रखी, आपको समझ में आ गई मैंने क्या बोला है। अब ये पहले आपका आ जाएगा रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ गया, तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी में सब कुछ आ जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में सब कुछ का मतलब जो भी आपको काम करना सब तीसरे चैप्टर में मिलेगा। मैं कल की क्लास तो नहीं, जब भी मेरा वो होगा उसमें मैं लेके आऊँगा रिपोर्ट राइटिंग में, उसको रिपोर्ट राइटिंग उसको देखोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा ऐसे लिखी जा रही है, तो उस चैप्टर अपने आप हो जाएगा, मतलब जैसे एक दो टॉपिक के बाद वो अपने आप रिसर्च हो जाएगी, मंडे को शायद या ट्यूजडे को, तब मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि ये फिर उसमें भी फिर आ जाएगा ये आपका कैसे काम हो रहा है। तो उसके बाद देखो आपने क्या क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने बना दी सारी की सारी, देन क्या होता है कि जो आपका नेक्स्ट काम होता है उस पर आप काम करना शुरू करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, जो मेथड आपने अडॉप्ट किया प्राइमरी है तो बाई क्वेश्चनियर, सर्वे, इंटरव्यू, जो भी आपने मेथड अडॉप्ट किया, सेकेंडरी है तो कहाँ से उसके सोर्स है वहाँ से आपने डेटा को कलेक्ट किया,
उसके जो जो टूल्स आपने लिए हैं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेसिंग होगी डेटा की, टेबुलेशन होगी, जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो जो आप लगाना चाहो वो लगेगा, देन उसके रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट को क्या किया जाता है इंटरप्रेट, और इंटरप्रेट करने के बाद उसका क्या लिखा जाता है कंक्लूजन। तो देखो ये आपके बने टूल्स एंड टेक्निक, ये सारे ना तीसरे चैप्टर आरंभ में आपके पास आ गए। फोर्थ में आपका आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, सारी की सारी चीजें, मतलब डेटा को पूरा एनालिसिस करना आ जाएगा इसमें, ठीक है। पूरा एनालिसिस करने के बाद अब फिफ्थ जो चैप्टर बनेगा, देखो कोई ना, अब ये जो एनालिसिस वाला चैप्टर है कोई एक ही चैप्टर में सारा एनालिसिस कर सकता है, कोई इसके डिफरेंट डिफरेंट जैसे हर एक ऑब्जेक्टिव का एक अलग चैप्टर बना सकता है, ये अपने हाथ में है, कैसे भी कर सकते हैं। पांचवें में आप क्या लिखते हो, जो भी आपकी फाइंडिंग्स आती है भाई आपने क्या पाया इसमें, ठीक है, आपके क्या सजेशंस है और आपका कंक्लूजन, क्या कंक्लूड किया आपकी रिसर्च ने, ये चीज आ गई, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका अपेंडिसेस, सीज भी बोलते हैं अपेंडिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लगता है, इससे भी पहले ना एक और चीज आती है, छह नंबर पे आप लिखोगे रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, और फिर लास्ट में आपका आता है अपेंडिसेस एंड अपेंडिसेस या अपेंडिक्सेस। देखो इसमें क्या आता है, इसका भी बताता हूँ मैं आपको, इसमें आपके पास आ जाता है जो आप क्वेश्चनियर में लगाते हो वो आपके पास आ जाता है, कोई आपने आपके रिसर्च पेपर जो पब्लिश करवाए वो भी आपके लग जाते हैं, कोई सर्टिफिकेट लगाना चाहता है वो लग जाएगा, कुछ और चीज जिसको आप दिखाना चाहते जैसे मैप हो गया, ये ना ये जो ज्योग्राफी वाले होते हैं ये मैप लगाते हैं, तो लास्ट में मैप लगा देते हैं, हमारे जो कॉमर्स वाले या जो मैनेजमेंट वाले ये क्या लगाते हैं अपना क्वेश्चनियर लगा देते हैं, है ना, अपना ये जो पेपर है वो लगा देते हैं, सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो ये चीज होती है, ठीक है, आगे समझ में। और अब रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में फर्क देखो एक बार, रेफरेंसेस क्या होता है भाई, रेफरेंसेस ना दो तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, रेफरेंसेस का मतलब होता है जहां जहां से भी आपने इंफॉर्मेशन ली है, राइटिंग में आपने जो जो काम किया है वो सारा इसमें आप लिखोगे, भाई मैंने यहाँ से लिया है काम, मैंने इस बुक से उठाया, मैंने इस रिसर्च पेपर से लिया, मैंने यहाँ से लिया, इस आर्टिकल से पढ़ा, तो उसकी आपको पूरी यहाँ पर मिलेगी। अब रेफरेंसेस तो समझ में आ गया, इसी में आप लिखते हैं रेफरेंसेस एंड, और क्या लिख देते हैं फिर बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि अब आपने कुछ ऐसे सोर्सेज भी जो सुना है जिसके रिटर्न में सोर्सेज नहीं है, कुछ ऐसे सोर्सेज जिसने बस आपने यूज देखे तो थे लेकिन उसका यूज नहीं किया, या पता नहीं पा रहे हो आपकी कहाँ कहाँ यूज किया है, तो सारी चीजें कहाँ आएंगी आपकी बिब्लियोग्राफी में, तो इसलिए लिखा जाता है रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। क्लियर हो गई बात, जो ऑनलाइन में बताओ कि आपको ये क्लियर है। सैंपलिंग टेक्निक, सैंपल कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो इसकी टेक्निक ना दो तरीके की होती है, एक तो होती है आपकी प्रोबेबिलिटी और आपकी रैंडम, और दूसरी या नॉन रैंडम। प्रोबेबिलिटी या आपकी रैंडम सैंपलिंग टेक्निक वो होती है जहां पर सभी यूनिट्स को इक्वल चांसेस होते हैं, All units have equal chances. किसके लिए? सैंपल में आने के लिए, ठीक है, इंक्लूड इन सैंपल। और इसमें क्या होता है, इक्वल चांस आपके नहीं होते। इसमें देखो कौन कौन सी आती है और सबके बारे में बिल्कुल अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट। सबसे पहले आती है आपकी सिंपल रैंडम टेक्निक, सिंपल रैंडम टेक्निक कौन सी होती है, बस मैंने कोई क्वेश्चन पूछना है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आने में, किसी से भी पूछूं मुझे नहीं पता मैं किससे बोलूं, मैंने जैसे बोला कि ये बताएं तो फिर क्या हुआ, ये रैंडम सिंपल रैंडम है,
ऐसे ही लॉटरी मेथड जो आप लेते हो लॉटरी निकालने का, ये भी सिंपल रैंडम होता है। सिंपल रैंडम का मतलब किसी को भी रैंडमली पूछ लिया, और ये सिंपल रैंडम में क्या होता है कि भाई सबको ना इक्वल चांस है, किसका नंबर आ जाए क्या पता है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी एक है, जितने भी स्टूडेंट है उसको डिवाइड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमेशा, हमेशा मैक्सिमम आपकी वन होती है, तो वन में आप डिवाइड हो जाओगे जितने भी है। सिंपल रैंडम समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक में एक सिस्टम ऑलरेडी सेट कर दिया जाता है। सिस्टम जैसे कि भाई आपकी हर पांचवी एवरी फिफ्थ यूनिट सैंपल होगी, वुड बी सैंपल। हर पांचवी यूनिट क्या होगी आपकी, सैंपल होगी। लेकिन क्या होता है कि जो फर्स्ट यूनिट होती है वो रेंडमली आएगी। मान लो हमारे पास 100 बच्चे हैं, मैंने कहा कि हर पांचवी यूनिट सैंपल होगी, तो ये मतलब नहीं कि 5, 10, 15 ऐसे नहीं, पहले एक रेंडमली यूनिट निकाली जाएगी, फर्स्ट यूनिट रेंडम निकल के आएगी। और जैसे आपने रेंडम निकाला, कोई भी एक नंबर आप बोलिए, एक बोल देते पहले 7 मान लेते हैं, तो भाई 7 बोला ना, तो एक यूनिट आपकी आ गई 7। अब जैसे ही 7 आई ना, तो बाकी अपने आप फिक्स हो गई। हमने क्या कहा कि 5 का गैप होगा, तो इधर तो हो गया 2, इधर आपका 12, 17, 22। मतलब अब इसमें क्या हुआ कि जब फर्स्ट यूनिट को सिलेक्शन किया तो कोई भी नंबर आ सकता था, 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर आ सकता था, तो तब तो इक्वल चांसेस थे सबको। लेकिन जैसे ही वो सिलेक्ट हुई अपने आप सेट हो गई, तो फिर बाद में चांसेस सबके खत्म हो गए, जो जो आनी है उसी के आएंगे। और गैप हमारे पास है कि आपने सिस्टम सेट कर दिया कि हर पांचवी यूनिट आपकी सैंपल होगी। पहले से सिस्टम सेट होता है, फिर एक यूनिट निकाली जाती है, ठीक है। ऑनलाइन वाले समझ में आ गया भी आपको ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग? हाँ जी। तो सिस्टमेटिक में क्या हुआ, आपने एक सिस्टम सेट कर दिया कि भाई हर पांचवी या दसवीं यूनिट भी लोगे तो भी वो गैप अटेंड का रखना, फर्स्ट आपने निकाल के रख लेनी, ठीक है। सिस्टमेटिक क्लियर है, ठीक है। तीसरा आपके पास आ गया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, देखो आप ना हमारे पास मान लो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट है, मान लो हमारे पास एमबीए के भी स्टूडेंट है, और हमारे पास एमकॉम के भी स्टूडेंट हैं, और हमारे पास एमए इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट हैं, और इनकी संख्या है 100, इसकी 50 और इसकी 30, तो 180 हो गई टोटल। आपको ना सैंपल निकालना था 10%, और 10% निकाला, 10% 180 का होता है 18, ठीक है। टोटल तो होते हैं आपके 180, और 10% हो गया इसका 18, सैंपल साइज हो गया आपका 18 का, 18 का आपको सैंपल निकालना था। देखो 18 का आप निकालना चाह रहे थे, तो हो सकता है सारे के सारे एमबीए से आ जाए, पॉसिबल है एमबीए से भी आ जाए, पॉसिबल आपका। तो आपने इसको क्या किया, पहले ना आप 180 स्टूडेंट देखो, आपने इसको ना कैटेगराइज कर दिया इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। आपने क्या किया, 180 स्टूडेंट को ऐसे डिवाइड कर दिया कि भाई एमबीए के तो 100 है, एमकॉम के 50 है, एमए के 30 है, और इनका ले लेते हैं 10%, तो इसका कितना हो गया 10, इसका हो गया 5, इसका आपका 3, तो टोटल आपका सैंपल भी हो गया और इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी सैंपलिंग टेक्निक है जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दे। ये हेट्रोजीनियस थी 180, इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हेट्रो को होमो में कन्वर्ट कर दिया, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन किस में मिलता है, तो वो भी आपका स्ट्रेटिफाइड में इक्वल मिल रहा है ना, हर एक को, हर एक जितना ग्रुप है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तीसरा आपका आता है कि बेस्ट सैंपलिंग टेक्निक कौन सी है, तो अब वो आपकी है स्ट्रेटिफाइड। तीन क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, क्लियर हो गई होगी आपको। एक क्वेश्चन और आता है, एक और आती है क्लस्टर, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर में क्या होता है भाई, आपका
कास्ट में जैसे ऐसे ही होता है, आप ना जैसे आपने देखा होगा बिस्किट बन के आते हैं, मेडिसिन बन के आते हैं, उस पर लिखा होता है बैच नंबर, कोई भी देखना आप कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उस पर भी लिखा होता है बैच नंबर। और आप जैसे मान लो एक बैच में ना हजारों यूनिट बनती है, तो ऐसे बना देते हैं, मतलब पूरा बैच आया उसमें से ऐसे पांच रेंडमली आपने ग्रुप बना दिए, ऐसे पांच ऐसी बना ली उठा के, जैसे ऐसे जैसे 100 बोतलों का ग्रुप आ रहा है, ऐसे निकाल पांच रख दिए, एक और पांच रख दिए, एक और पांच रख दिए, ऐसे पांच ग्रुप बना लिए। फिर इनमें से इसमें से क्या होगा, इसमें तो देखो सबसे लिया था ना सैंपल, इनमें से ऐसे नहीं करेंगे, इनमें होता क्या है, इनमें से जैसे ये ए है, ये बी, आपका सी डी और ई, ये बन गया, इस पर ऊपर लिखा होता बैच नंबर, लोट नंबर, उसमें से आपने एक निकाल लिया, अब यहां से भी रेंडम फिर हो जाएगा। अब जैसे आपने क्या किया, मान लो डी निकाल लिया, अब जब आपने डी निकाला है ना, और डी में अगर मान लो डिफेक्ट निकल गया तो सारे डिफेक्ट है, और अगर मान लो ये ठीक निकल गया तो इसमें भी सारा डिफेक्ट हो, फिर भी ठीक है, ये हो गई आपकी क्लस्टर। तो डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में क्या होता है। और लास्ट होते हैं आपकी मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज में क्या होता है, मल्टी स्टेज में देखो ऐसे होता है, अब मान लो आप स्टडी करना चाहते हो वीमेन लिटरेसी की, हमने कल ही बात करते थे ना, हरियाणा में बात कर रहे थे, और हरियाणा भाई बहुत बड़ा हरियाणा है, तो आप हरियाणा में पूरे में स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि तो आपको एक पीएचडी की डिग्री चाहिए, तो आपने हरियाणा को कम करके आप ले आए रोहतक में, अब रोहतक में भी बहुत सारे गाँव हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, तो उनको स्टडी नहीं कर सकते, आपने रोहतक के भी आपने क्या किया, रोहतक सिटी सेलेक्ट कर ली, और आप थोड़ी ज़्यादा ही आलसी थे तो आपने और कम कर लिया, रोहतक के यूनिवर्सिटी का एरिया ले लिया। अब आपने क्या कर दिया, स्टेज बना दी ना, कम करते ले आए आप हरियाणा, रोहतक, रोहतक सिटी, रोहतक के भी आसपास का एरिया, तो ये क्या हुई आपकी मल्टी स्टेज। तो पाँच एक क्वेश्चन नहीं आता है कि कौन सी रेंडम सैम्पलिंग है या कौन सी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो पाँच होती है, सिंपल रेंडम होती है, सिस्टमेटिक होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज। बेस्ट सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी होती है। एक और क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन सी सैंपलिंग टेक्निक अनरेस्ट्रिक्टेड है, जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हो, एकमात्र टेक्निक है सिंपल, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बाकी सब पे रेस्ट्रिक्शंस लग गई, इस पर 100 पे लग गई, इस पर मतलब 10 के रेस्ट्रिक्शन लग गई, इस पर अलग बन गई, क्लस्टर पे अलग लग गई, मल्टी स्टेज पे वैसे ही लग रही है, दिख रही है आपको साहब को, सिस्टमेटिक पे भी लग रही है, तो सिंपल रेंडम एकमात्र टेक्निक है जिस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन, अनरेस्ट्रिक्टेड ये है, और ये कौन सी होगी आपकी रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ओके। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका जजमेंटल सैंपलिंग। देखो इसका क्या मतलब होता है, ये तो ना बायस फ्री थी, पर्सनल बायस से फ्री थी, और ये जो आप पढ़ रहे हो ये सारी क्या आपकी बायसनेस के साथ, बायसनेस के साथ। नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी है, बायसनेस का। तो इसमें सबसे पहले आती है जजमेंटल। अब जजमेंटल का मतलब क्या होता है, देखो जजमेंटल का मतलब होता है कि जो एक रिसर्चर को, जब वो काम कर रहा है रिसर्चर को, तो उसको जो बेस्ट यूनिट लगती है ना कि भाई ये मेरे को सही रिप्रेजेंटेशन देती है, तो वो सैंपल में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी होती है आपकी कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंस जो आपकी सैंपलिंग है उसमें क्या होता है, अब देखो इसमें भी रिसर्चर का ही काम है, फर्क क्या है दोनों में समझाते हैं। यहाँ पर क्या, रिसर्चर को जो सैंपल चाहिए ना, वो बेस्ट सैंपल वो भाई आपका अवेलेबल है दिल्ली में, जजमेंटल। दूसरा एक और सैंपल है वो रोहतक में इजीली अवेलेबल है। जजमेंटल में क्या था, जजमेंट के अकॉर्डिंग उसका बेस्ट सैंपल दिल्ली में, लेकिन उसका कन्वीनियंट उसके लिए सुविधा के अनुसार रोहतक वाला पास में पड़ता है, तो किसको लेगा, कन्वीनियंट सैंपल। दोनों में फर्क समझ में आया, जजमेंटल में मतलब उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट आपकी सैंपलिंग यूनिट होगी, क्योंकि कहां पे थी, रोहतक में थी, कहां पे थी, चलो झूठे कुछ सुन भी रहे हो या कर रहे हो। देखो दिल्ली में तो आप जो सैंपल था ना, जो बेस्ट सैंपल था वो रोहतक दिल्ली में अवेलेबल था, लेकिन उसकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग एक और सैंपल जो रोहतक में बोलता उसने रोहतक वाले से काम चला लिया, तो किस में आ गया, कन्वीनियंट सैंपलिंग। ठीक, तीसरी जो आपकी सैंपलिंग टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, कोटा। कोटा का मतलब क्या होता है,
कोटा में क्या कहते हैं, आपने फिक्स कर दिया कैसे, जैसे इसमें होता है ये, जैसे एक्चुअली में ये काम होता है, जैसे जितने भी प्राइमरी स्टडी होते हैं ना, तो अब देखना एमडीयू की जो स्टडी है वो ऐसे करते हैं कि वो दिल्ली एनसीआर का एरिया लेते हैं, और दिल्ली एनसीआर में भाई बहुत ज़्यादा आता है, नोएडा भी आता है, अपना रोहतक भी आता है, इधर आप गुरुग्राम भी आता है, तो मोस्टली क्या कहते हैं रोहतक के हैं, तो रोहतक का जैसे मान लो 600 का सैंपल ले रहे हैं तो कह देंगे 300 रोहतक से, छोटा कर दिया ना साइड, 100 ले लेंगे थोड़ा दूर जैसे नोएडा से पड़ता है, बाकी सारा आपने गुरुग्राम से ले लिया, कोई ऐसे ले लिया, तो आपने इसमें भी देखो सारी बायसनेस है ना, इसमें बायसनेस आ रही है। ये कौन सी हो गई आपकी, कोटा, हाँ बिल्कुल कन्वीनियंट, मतलब ये सारी है ही बायसनेस के बेसिस पे कन्वीनियंट, ये ना सारी बिल्कुल इसी, ये तो सब में रहेगी रहेगी, जजमेंट है ना, ये तो रहेगी रहेगी, जजमेंट कन्वीनियंट सारी एक बायसनेस रहेगी। एक आपकी आती है एक होता है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि आप 90% के अराउंड आप सैंपल ले रहे हो टोटल का, वो कौन सी होगी एक्सटेंसिव, वैसे सैंपल तो बना नहीं, वैसे आपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपने ले लिया। एक और होती है आपकी चेन सैंपलिंग, चेन सैंपलिंग, आपको ना चेन सैंपलिंग कैसे है, सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि आपको स्टडी करनी है किस पे, LIC एजेंट्स पे, डॉक्टर्स पे करनी है, चलो डॉक्टर्स तो आपको फिर भी पता है कि भाई यहाँ मिल जाएंगे, हॉस्पिटल मिल जाएंगे, LIC एजेंट बता सकते हो कहाँ कहाँ मिलेंगे, नहीं पता ना, तो आप एक LIC एजेंट को ढूंढ लो, वो अपने आप तक पहुँचा देगा। ये क्या हुई आपकी कि एक सैंपल को ढूंढ लो, एक सैंपल अपने दूसरे तक पहुँचा देगा, दूसरा तीसरे तक, इस तरीके से होता है, ठीक है। और एक वो क्या दे रखी इसमें, स्नोबॉल, यही थी आपकी स्नोबॉल और एक्सीडेंटल, ठीक है, चेन सैंपलिंग, चेन बोल लो, सिक्वेंसिंग सैंपलिंग बोल दो, स्नोबॉल बोल दो, सब इसी के नाम है, ठीक है, आगे समझ में। तो ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग थी।